Hello everyone, let me introduce first of all myself, myself indresh Kumar Singh, faculty of civil engineering department, BBD and IIT Lucknow. Okay. So, we <coughs> discuss the contour and now we will discuss in this lecture types of contouring. Okay. In the previous lecture, we have discussed what is contouring what is contour purpose and characteristics of contouring so in this process now we come on the topic types of contouring okay. it is also a important and simple topic in the contouring okay. so surveying in geometrics this is the lecture number 8 mod 1 so methods of contouring we have discussed here method of contouring so we know uh, what is contour okay? the imaginary line we have draw on each point on this line which have same elevation which have same elevation okay? the points on the imaginary lines which have the same elevation that is known as the contour okay? and we have draw contour map before we drawing the contour map we have understand how we can draw so the contouring the there is the some methods we have discussed here methods of contouring what is mean by this contouring requires the pl uh, planimeters position of the points whose elevation have been determined by the leveling the methods of locating contours therefore depending upon the इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द हॉर्जेंटल एज वेल एज वर्टिकल पोजिशन ऑफ द सेवरल पॉइंट्स इन द ए एरिया मीनस आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी जो कि हमें क्या बता सकते हैं किसी भी ग्राउंड पे किसी भी फील्ड पर हमको उस प्वाइंट की पोजिशन के बारे में पता करना अगर है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जिनके द्वारा हम हॉरिजेंटल वर्टिकल ऑरल रिड्यूस लेवल या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं और उन सब की हेल्प से ही हम कंटूरिंग कर पाएंगे ओके तो सबसे पहले उसमें हमें प्लेनीमीटर की ज़रूरत होती है जो कि पोजिशन ऑफ पॉइंट्स बताता है एलिवेशन बताता है लेवलिंग करते हैं हम लोग उससे भी हमें बताते हैं हम उसके क्या रेड्यूस लेवल और हमें मालूम है कि हमको सिर्फ वर्टिकल एलिवेशन ही फाइंड करने हैं और जो पॉइंट्स के सेम एलिवेशन रहते हैं उन्हीं को ज्वाइंट करती हुई जो लाइन होती है उसको हम कंटूरिंग बोलते हैं ओके तो मैथड्स ऑफ कंटोरिंग में ये बात करनी है हमको कि अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या किसी और तरीके से हम ये काम कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि जो भी ग्राउंड है उसका कितना एलिवेशन है उस एलिवेशन को हम लोगों को ग्राफ पे बनाना है तो वो कैसे हम पता करें ओके okay? उनको फाइंड आउट कैसे करें तो फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से और हम एज अ सिविल इंजीनियर उन इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे एलिवेशन फाइंड करेंगे और उनको फाइंड करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे पॉइंट्स और उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देंगे तो वो हमको मिल जाएगा एलिवेशन और वो मिल जाएगा कंटूर ओके सो Basically, here given are two methods. We have classified methods of contouring in two types. Okay? All the methods we have arranged basically in two types, and uh, then we have discussed other methods which have come in these two methods. First one is direct methods. And second वन इज इनडायरेक्ट methods. ओके सो द methods ऑफ contouring डिवाइडेड into टू फॉलोइंग केसेस दो केसेस हैं कौन कौन से Must विल लर्न याद कर लो इनको एक डायरेक्ट methods है और दूसरा इनडायरेक्ट method. मतलब ये हुआ कि हम दो methods ऐसे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी ग्राउंड पर उसका एलिवेशन फाइंड करेंगे और उसको हम एक मैप बनाएंगे ग्राफ तैयार किया जाता है ओके okay, तो उसको फाइंड करने के लिए कंटूरिंग को करने के लिए हमको दो मेथड्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड वी हैव एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड्स में कैसे करेंगे जैसा कि नाम है इसका डायरेक्ट मेथड्स इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द रेड्यूस्ड लेवल ऑफ द बैरियर सिलेक्टेड पोजिशन ऑन अ कंटूर लाइन आर ऑप्टीन एंड दियर पोजिशन आर लोकेटेड the contour are then drawn by joining these points it is very accurate method but it is a slow and tedious means what can we uh, do here in direct methods we find out the means if this is the elevation so we here find out the position vertical we can go on the field in this methods and reduce level of various selected point on the contour line or obtain and then, what we can do? These points we have drawn on this sheet, okay, where A, B, C, D, and we can say these all points have the same elevation, then we join these points via free hand, okay. So, this we can get a, a contour, and this process is contouring, but this is not a, a simple way it is just some tedious some slow because first of all we go then we can find out what is the distance and then we check this is right distance or not we find out the points on which points we want to calculate the vertical distance okay must one point be vertical distance point और उसी को हमको ग्राफ पे बताना है ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा और उसी पॉइंट्स को जब होते हैं उनको हम बोलते हैं और उन पॉइंट्स का जो एलिशन होता है तो वो हमारा क्या रहता है उसी को हम लोग शो करते हैं तो इसमें क्या होता है ये हमारा स्लो मैथड्स होता है और थोड़ा टीडीएस भी रहता है थोड़ा टफ रहता है ओके दिस मैथड इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ स्मॉल एरिया वेयर सुपीरियर एक डिमांडेड द मैथड ऑफ लोकेटिंग कंट्रोर्स डायरेक्टली कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंट्रोल द दॉरिजेंटल कंट्रोल फॉर अ स्मॉल एरिया कैन बी एक्सरसाइज बाई अ चेन और टेप अ लार्ज एरिया बाई कंपोजर थीडियोलाइट और प्लांट फॉर वर्टिकल कंट्रोल आइदर अ लेवल एंड स्टॉप और हैंड में यूज अब बात यह है कि इसमें कि अगर स्मॉल एरिया है उसको हम डिवाइड कर दिए तो हम चेन के द्वारा टेप के द्वारा इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसको हम ड्रा कर सकते हैं लेकिन अगर एरिया ज़्यादा है तो हमको कौन कौन से चाहिए होंगे थ्रीडोलाइट चाहिए प्लेन टेबल चाहिए और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जब हमने स्टार्टिंग की थी सर्विंग एट दैट टाइम डिस्कस ओके तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट का अब यूज है अब धीरे धीरे आपने स्टार्टिंग से क्या पढ़ लिया वो सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए उन सारे इंस्ट्रूमेंट को जान लिया उनके बारे में सारी चीज़ें जान लिया आपने और फिर हम लोग जब ग्राउंड पे गए तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जिस चीज़ के लिए यूज करना होगा हम उसको यूज करके और चीज़ों को फाइंड करेंगे आपको एलिवेशन फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे कंटूर ड्रा करना है तो उसके लिए हमको एलिवेशन चाहिए और कौन कौन से हमें चाहिए अगर एरिया कम है तो हम वहाँ चेनिंग के द्वारा कर सकते हैं टेप के द्वारा कर सकते हैं ओके तो वो चीज़ हम इसको फाइंड आउट करके और फिर हम वहाँ पे ड्रा कर देंगे ठीक ये हमने पढ़े हैं अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ में इस ग्राफ में हमने ये वाला दिखाया है कि आप देखिए कैसे कंटूर को समझ सकते हैं कि यहां पर जैसे दिया गया है कि देखिए बहुत पास पास लाइनें हैं और अगर इतना पास पास लाइनें हैं तो इसका मतलब ये हो गया है हमारा कि यहां पर हमारा हिली रीजन होगा ओके अगर कहीं पर यह देखिए यहां पर दूर हैं हमारी लाइने ओके ये कंटूर मैप है इसको समझ लीजिएगा कंटूर मैप है इसको हमने आप लोगों के लिए इसको लाए यहां पर तो आप इसको सीखिएगा कि अगर लाइन बस कंटूर मैप को कैसे हम रीड करते कैसे समझते जो हम लाइनें अभी कर रहे थे ये सारी होती हैं किसी भी फील्ड की अब इन लाइनों का क्या है कि देखिए हमने जैसे देखा है दूर दूर लाइने तो हम समझ गए यहां पर क्या होगा फ्लैट ग्राउंड होगा ओके okay? और अगर ये देखिए पास पास है तो क्या होगा हिली रीजन होगा ओके okay? यहां पर क्या होगा, होगा. फ्लैट रीजन होगा ये देखिए फ्लैट रीजन होगा ये हिली रीजन्स होगा और अब इनकी अगर हमें जैसे वैल्यूज पता हो अगर इनका एलिवेशन पता हो तो हम बता सकते हैं कि ये हिल है या डिप्रेशन में है तो एक बात तो आपके समझ में आ गया कि यहां पर जो फ्लैट रीजन होगा दूर दूर लाइनें होंगी और अगर पास पास लाइनें हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर एलिवेशन या तो है और या फिर डिप्रेशन होगा ओके इस ग्राफ को देख के जान सकते हैं तो वाई लेवल एंड स्टाफ हम क्या कर सकते हैं लेवल और स्टाफ को यूज कर सकते हैं हम कहीं पर भी इस तरीके से साइड पे गए यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से हमारा ग्राउंड है यहाँ पे हमने अपना स्टाफ सिलेक्ट किया यहाँ पे हमने कोई एक हाँ जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे स्टेशन को सिलेक्ट किया फिर इसका रिड्यूस लेवल हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेट करते रहेंगे कि किस किस पॉइंट पे है स्टेशन चेंज किए हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आया फिर यहाँ पर गया ओके okay, तो इसका हमने रिड्यूस लेवल सब कैलकुलेट कर लेंगे और ये क्या होगा किसी भी पॉइंट का एक लेवल होगा सो स्टॉप और लेवल मैथड से भी हम क्या कर सकते हैं एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं द मैथड कंसिस्ट ऑफ लोकेटिंग अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड having the same elevation by using a level and levelling stop. Instrument is set up in such a way as shown in diagram <coughs> that number of reading can be taken from the area to be surveyed. The instrument is set up and RL or height of instrument is determined from the nearest benchmarks. As we know whenever we set up here any station, so we have find out the benchmark nearest.

क्या आप कैलकुलेट कर लेंगे रिड्यूस लेवल उसका एलिवेशन और फिर हम क्या करेंगे अपने ग्राफ पे आकर वो पॉइंट्स हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे दिस मान लीजिए ये वाला एलिवेशन है इसका वन हंड्रेड टेन है तो वन हंड्रेड टेन वाला एक ये है एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट्स है एक ये पॉइंट्स है ओके एक ये पॉइंट्स है तो अब हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स को रफली हैंड से ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे ये हमारा एक बन गया अब यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया जाएगा ये वाला ये आपका 120 है ओके okay. तो हमें पता है कट नहीं करते हैं तो अब इनको हम रफली इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे ये बन गया अब देखिए 120 110 हंड्रेड घट रहा है तो इसका मतलब हम क्या हो गया केवल ग्राफ देखकर ही समझ गए ये हमारा इस रीजन का ग्राफ होगा जहाँ पे ये डिप्रेशन रहेगा ओके okay? और अगर ये एलिवेशन वाला होता तो ये इंक्रीज हो, हो रही है में, region, और अगर धीरे धीरे वैल्यू हमारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तब हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, हमारा या वैली टाइप की है. Okay? तो अब आप ग्राफ देख ही जान सकते हो तो इस ग्राफ को बनाने के लिए ही जो मैथड्स यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मैथड्स में वाई लेवल और स्टाफ यूज करके जैसा कि हमने बनाया पे आप यूज करके फाइंड कर सकते हो बहुत सिंपल है डायरेक्ट मैथड दूसरा वाई हैंड लेवल द प्रिंसिपल इन द सेम एज दैट यूज इन द मैथ यूजिंग लेवल एंड स्टाफ इंस्टेट ऑफ हैंड लेवल एंड एवी लेवल में आल्सो बी यूज ओके एक सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम याद रखिए आप लोग एवी लेवल एवी लेवल जो ये देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बना हुआ था बिल्कुल स्टॉप और उसी की तरह हम यूज करते हैं और इससे भी हम डायरेक्ट एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं ओके मे आल्सो बी यूज हाउ एवर दिस मैथ इज वेरी रैपिड एंड इज फॉर द दर्टन वर्क अगर कोई हल्का हल्का वर्क है तो उसके लिए हम इस मैथड को प्रिफर करते हैं ओके सो वाई लेवल देखिए आप ग्राफ में ये बना हुआ है ये कुछ इस तरीके का होता है ये पूरा ऐसा होता है हमारा एडजस्टेबल ग्रेजुएटेड आर्क यहाँ पे होती है और इस तरीके से स्प्रिट लेवल मूव्स इन कंजुगेट विद द ग्रेजुएटेड यहाँ पर बना होता है इंटरचेंज आर फैसिल्स ये सब बनी होती है इस तरीके से आई पीस यहाँ पर होता है जैसे कैमरे में तो इसको हटाते हैं और फिर क्या होता है जब सर्वे कभी भी करनी होती है आपको तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में जैसे कि बना है कि ये ये यहाँ पर दिया गया है कि ये थीटा डिग्री देखो है यहाँ पर कोई सर्वेयर आपने कोई भी अपना असिस्टेंट खड़ा किया और इस पॉइंट से आप इस 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 इंस्ट्रूमेंट को यूज करके देख रहे हैं और वहाँ आपकी सारी रीडिंग्स सब कुछ इस इंस्ट्रूमेंट में अपने आप एडजस्टेबल होती है और आपको सिर्फ एज ए इंजीनियर एक जगह खड़ा होना है और उसके बाद असिस्टेंट जो होगा वो वहाँ पे आपका कोई भी स्टाफ लेकर खड़ा होगा और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो आप एंगल ऑफ एलिविएसन एंगल ऑफ़ डिप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो उस स्टाफ पर रीडिंग्स क्या है वो कैलकुलेट कर सकते हो वो फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद में सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम सिंपल सा जाके उन पॉइंट्स का जो पॉइंट्स सेम एलिवेशन के होंगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने वाली लाइन जो रहती है उसी को कंट्रोल बोलते हैं ओके इट्स सिंपल तो मेथड्स ऑफ कंटूरिंग में चल रहा है तो ये क्या है डायरेक्ट मेथड्स हैं इन मेथड्स क्या करते हैं हम डायरेक्ट कंटूरिंग कर सकते हैं ओके okay? और ये आप ये भी ध्यान रखिए कि डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो उसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ हमें पॉसिबल हो ओके okay? तो डायरेक्ट मेथड्स वहीं पे यूज किए जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो आपके लिए आप इजली वहाँ पर मूव कर सको ओके okay? जैसे अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि यहां पर अगर कोई भी हमारा इंजीनियर खड़ा है सर्वेयर खड़ा है यहाँ पे उनका असिस्टेंट खड़ा है तो उसको अगर ये दिख रहे हैं ये स्टाफ यहाँ पे दिया है तो इस रीजन में वो स्टीप देखो स्लोप पे दिए हैं तो उनको पता है कि हाँ इसका एलिवेशन इतना होगा इसका इतना इतना सारे पॉइंट्स किया और रफली हैंड से हमने ड्रा कर दिया ओके okay? तो फर्स्ट स्टाफ और लेवल से जो कि हमने बनाया था पहले और सेकेंड एक ये हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है इसके द्वारा भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते ठीक ये वाई हैंड लेवल और फर्स्ट वन इज ये वाला आपका इस लेवल एंड स्टाफ ओके तो लेवल एंड स्टाफ और हैंड लेवल इन दोनों को यूज करके हम लोग डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट करते हैं ओके okay? तो और डायरेक्ट मेथड्स में क्या हो सकता है जैसे आप गए ग्राउंड में आपने देखा कि हमारी एरिया एक हजार स्क्वायर फिट है आपने क्या किया उसको डिवाइड कर दिया कैसे आधा आधा पार्ट एक सेंट्रल लाइन खींची जो हमने बताई थी आपको कैसे हम लाइन खींचते सर्वेंग में उस लाइन को खींचने के बाद फिर हमने स्क्वायर एरिया डिवाइड की पाँच पाँच मीटर बीस बीस मीटर के इंटरवल पर हमने ड्रॉ कर ली ताकि हमको उनके हर पॉइंट्स के एलिवेशन पता कर सके और उनको हम डायरेक्ट चेन से चेन से जाएंगे चेनिंग करेंगे चेन के बारे में पढ़े हो टाइप्स ऑफ चेन भी पढ़े हो आप लोग टेप्स पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ टेप्स भी पढ़ाए थे उसमें एज ए सिविल इंजीनियर क्या करेक्शंस होते वो आपको पता है तो उनको हम चेन लेकर गए उस चेन के द्वारा हम लोगों ने क्या किया <coughs> देखा ग्राउंड पे कि हाँ इजली हमारा पाँच मीटर है तो हम एक चेन से कर सकते हैं हंड्रेड मीटर तक गए उतना हमने कर लिया और वैल्यू नोट कर ली जब नोट कर लोगे वैल्यू तो हम हर पॉइंट की एलिवेशन जो रहेगा वो हम बता सकते हैं और जैसे ही आपको एलिवेशन पता चल गया आपने क्या किया एक सीट उठाई उस सीट पे वो सारे पॉइंट्स को डोट कर दिया और जिन पॉइंट्स का सेम एलिवेशन रहेगा उनको सबको कनेक्ट कर दीजिए एक लाइन जो बनेगी फ्री हैंड से उस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए वो हमारी कंटूरिंग कहलाएगी ओके तो कंटूरिंग में आप समझ गए हो कि क्या क्या होता है आप फिर से समझ लीजिए कि कंटूरिंग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और कंटूरिंग क्या होती है कंटूरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कंटूर मैप बनाते हैं और कंटूर क्या होता है एक इमेजनरी लाइन्स होती हैं जो कि सेम एलिविएसन्स वाले होते हैं उन पर उस इमेजनरी लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनका क्या होगा सबका सेम एलिवेशन होगा ओके okay? तो जब सेम एलिवेशन रहेगा तो उस पर जो आपका रहेगा तो वो हमारा कंटूरिंग होता है और उस कंटूरिंग होता है पर्पज क्या होते हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं कि क्या क्या कंटूरिंग के पर्पज होते हैं हमें मालूम है कि कंटूर अगर मैप दिया गया है तो हम इकोनॉमिकल अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसको इकोनॉमिकल करने के लिए हम ईजिली वहां पर कंटूर मैप को रीड करके जान सकते हैं दूसरा ये भी देखा हमने कि कंटूर मैप अगर आपके पास है उसमें हमने देखा कि लाइनें बहुत पास पास हैं तो हम उससे ये जान गए कि हमारा वहाँ पे अंडुलेशन ज़्यादा है ओके तो हम ये जान गए या तो वहाँ पे हमारा एलिवेशन होगा मीन्स हिली रीजन्स है या डिप्रेशंस वैलीज ज़्यादा हैं कहाँ पर हिल है कहाँ पर वैली होगी डिप्रेशन रीजन होगा तो ये हम कैसे जान सकते हैं हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग में देखा है जैसे कि अगर कोई भी आउटर कंटूरिंग कोई भी लाइन है उसके बाद में जैसे जैसे आप उस कंटूग्राफ में इन साइड में बढ़ेंगे तो जब इनर पे जाएंगे तब आपका क्या होगा कि आपने देखा कि वैल्यू हमारी घटती जा रही है तो जैसे जैसे वैल्यू आपकी घटती जा रही है इन साइड में तो आप कह सकते हो कि ये हमारा डिप्रेशन रीजन होगा और अगर कोई भी कंटूरग्राफ आपको आपने ड्रा किया और आउटर से इन में वैल्यू जो कंटूर का एलिवेशन होगा वो बढ़ता जाए जैसे यहाँ पर वन देयर इज़ वन एंड वन थर्टी ओके एंड वन ट्वेंटी तो हम समझ गए ये क्या हो रहा है हमारा घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा सॉरी वन हंड्रेड वन ट्वेंटी वन थर्टी वन फिफ्टी तो ये बढ़ रहा है तो so, ये जैसे बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये हमारा क्या है ये हमारा हिल है एलिवेशन ओके तो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स होते हैं उन मैथड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथड्स कौन से है? है हैं डायरेक्ट मैथड्स हैं और इनडायरेक्ट मैथड्स हैं डायरेक्ट मैथड्स में हम आए हैं तो डायरेक्ट मैथड्स में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? हम लोगों ने देखा यहाँ पर सबसे पहला था लेवल स्टाफ ये देखिए लेवल स्टाफ को पढ़े हैं और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है बाई हैंड लेवल तो लेवल स्टाफ में हम राइज एंड फॉल वाला यूज करेंगे जिसको अभी हम पढ़ना है लेवलिंग के द्वारा जो काम करते हैं वही सारे मैथडि करके हम फाइंड आउट कर लेंगे और ये सिंपल होता है लेकिन ये होता है क्या थोड़ा टाइम टेकिंग होता है तो थोड़ा टी होता है ओके बाई हैंड लेवल होता है हैंड लेवल का ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें थोड़ा हमारा और आसान हो जाता है कि डायरेक्ट आप सर्वेयर लेकर बैठ गए और वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उसको इस आ, इस इंस्ट्रूमेंट से ओके सो so, इस इंस्ट्रूमेंट से जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा डायरेक्ट चीज़ों को हम कि एंगल ऑफ़ एलिवेशन क्या है एंगल ऑफ़ डिप्रेशन क्या है तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक तो उसके बाद में जब डायरेक्ट मैथड्स ये हैं डायरेक्ट मैथड्स में अगर आपको और किसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनको भी पढ़ लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स रहेगा और उसके फिर हम देखेंगे किस तरीके से इसमें सॉल्व चीज़ें होती हैं और कैसे हम ग्राउंड पर ये चीज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मैथड्स में ओके तो डायरेक्ट मैथड्स आपको पता है कि इनडायरेक्ट मैथड और डायरेक्ट मैथड दो ही मैथड्स मैंने बताएं और डायरेक्ट के अंदर जो मैथड्स थे वो हमने स्टाफ के द्वारा लेवलिंग के द्वारा और जो भी प्लेन टेबल और थेडोलाइट्स का यूज करके जो भी कर सकते हो बाई हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो सारे चीज़ों को यूज करके हम ये चीज़ कर सकते हैं ओके यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा अब इसके बाद में जब आपका ये इनडायरेक्ट मैथड है तो इनडायरेक्ट मैथड्स में आ जाइए ओके तो डायरेक्ट मैथड्स में हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए वहाँ पर आपको ध्यान देना है एकूरेसी का ओके उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है इनडायरेक्ट मेथड तो इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स आर लेस एक्सपेंसिव पहला पॉइंट कि डायरेक्ट मेथड जो थे वो थे वो एक्सपेंसिव उनमें ज्यादा खर्चा आ जाता है और टाइम टेकिंग भी भी होते हैं, और भी होते हैं हैं और टीडियस तो उसमें हमें प्रॉब्लम रहती है लेकिन इनडायरेक्ट मैथड्स किस लिए बनाए गए ये इसीलिए बनाए गए कि लेस एक्सपेंसिव रहे पता चले आपकी कास्ट प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए सर्वेइंग में ही तो फिर अदर जो कास्ट रहेंगी उसमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमको ध्यान बस इतना रखना है कि कोई भी चीज़ है हमारी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए ज़्यादा ओके तो उसके लिए ही हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं और इनडायरेक्ट मैथड क्या होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं ठीक अदर लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और क्या होता है ये जो मेथड्स होते हैं इनमें टाइम भी हमारा कम कंज्यूम होता है जिस डायरेक्ट मेथड की मैंने बात की थी टीडीएस होते हैं उनमें क्या होता है उनमें हमको सारे स्टेशन पे सेटअप करना होता है और उनमें काफ़ी टाइम लगता है तो इसीलिए हमको क्या किया इनडायरेक्ट मेथड दिया गया और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं पहला इनकी कास्ट कम होती है लेस एक्सपेंसिव होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स और दूसरा लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड लेस टीडियस होते हैं एज कंपेयर्ड विद द डायरेक्ट मेथड और उतनी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती होगी और ये सिंपल भी रहते हैं मेथड्स उतने ज़्यादा ये हमारे टीडीएस मेथड्स नहीं होते हैं ओके okay? तो इनडायरेक्ट मेथड्स में ये हो गया कि डायरेक्ट मेथड के कंपेयर में क्या चीज़ें होंगी तो डिफरेंस भी आ सकता है डिफरेंस भी आपको तैयार रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स का क्या डिफरेंस होता है तो कंटूरिंग के लिए आप समझ रहे हो कि कंटूर कैसे हम ड्रॉ करते हैं जान गए हो पर्पज क्या है करेक्टरिस्टिक्स क्या है मैथड्स में हमने देख लिए डायरेक्ट मैथड्स और डायरेक्ट मैथड्स ही मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ अभी तो डायरेक्ट मैथड्स में हमने देख लिया लेवल कैसे करते हैं स्टाफ लेवल्स और वहां पे हम किसी हिली रीजन पे किस तरीके से उनको यूज किया है उसके बाद में इनडायरेक्ट मेथड्स आए तो डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट मेथड्स हमारे डिफरेंट हैं ओके तो जब डायरेक्ट uh, मैथड से इनडायरेक्ट मेथड जो डिफरेंट हैं तो वो पहला पॉइंट हमारा लेस एक्सपेंसिव लेस टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग एंड द लेस टीडियस ओके जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी एक अगर ये हिली रीजन है अब यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है तो आपको पहले यहाँ पर एक स्टेशन सेट करनी होगी ओके अब इस स्टेशन को सेट करना है आपको सारे इंस्ट्रूमेंट ले जाने हैं यहाँ पर सब सेट करने हैं उसके बाद क्या इसका रिड्यूस लेवल फाइंड करना है ओके okay, जब रिड्यूस लेवल हम फाइंड करेंगे उसके बाद हमको क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से फिर जो पास वाला जो भी एक हमारा बेंच मार्ग होगा फिर हमें क्या करना है अब इस हिलिया हिल एरिया पर हमको चढ़ने के लिए यहाँ पर एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा स्टाफ लगाना होगा यहाँ चेक करना होगा अब इस पर जाने में कितना हमारा टाइम लग सकता है ओके मे भी पता नहीं किस तरीके से कंडीशन होगी ये तो हमको पता नहीं है तो अब यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो सकता है फिर इसके बाद में आपको पता चला पूरा दिन हो गया बारिश हो रही कुछ भी हो रही तो यहाँ पर फिर आए फिर आप यहाँ पर गए तो इस तरीके से आपको एक रीज़न था इसको ही पूरा हमें इसका एलिशन कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ओके और एक्सपेंसिव भी हो गया क्योंकि अगर इसकी टाइम बढ़ गया आप समझिए टाइम अगर बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि अगर जैसे कम टाइम था तो जल्दी हो जाएगा पैसा कम लगेगा और अगर दो तीन दिन बढ़ गया तो लेबर कास्ट भी बढ़ जाएगी और कई चीज़ें बढ़ जाएंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोस्ट एक्सपेंसिव भी हो जाता है मेथड ओके okay? तो डायरेक्ट मेथड की कुछ ये चीज़ें हैं सही भी है अगर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें भी हम डायरेक्ट से जल्दी यूज कर सकते हैं उतना बड़ा नहीं रखना है ओके okay? तो ये भी ध्यान रखना है और क्या है दीज मैथड्स और कॉमनली एम्प्लॉयड इन अ स्मॉल स्केल सर्वे ऑफ़ द लार्ज एरिया अब याद रखिएगा देखो मैंने बात की ना कि ये जो लार्ज अगर इस्माल कहीं पर था हमारा प्रोजेक्ट तो हमने डायरेक्ट मैसेज कर दिया लेकिन जब कोई लार्ज होता है तो हमें फिर कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ते हैं ओके और ये लार्ज के लिए सर्वे जब करते हैं कहीं पे लार्ज एरिया का तब तो करते हैं दूसरी चीज़ यहां पे एक और पॉइंट है डायरेक्ट मैथड में कि हम यहां पर स्मॉल स्केल सर्वे ऑफ लार्ज एरिया के लेते हैं इस्माल स्केल लेते हैं ओके okay. यहाँ पर आप स्केल कंसीडर करनी है स्केल बारे में पढ़े थे कि स्केल क्या होता है कि जो हमारी डिस्टेंस जो हमारी पोजीशन किसी भी ग्राफ पे है उसकी रियल में ग्राउंड में कितनी है उनका रेशियो जो रहता है वही हमने एक रिड्यूसिंग फैक्टर्स जो हमने पढ़ा था आर के बारे में तो वो हमने जाना था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको स्केल माननी होगी स्केल जैसे कि अगर हमने वन एम एम इक्वल टू वन किलोमीटर मान लिया अगर ओके okay? तो अब हम क्या करेंगे स्केल जो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ ओके okay? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो रहेगा तो वही हो गया होता है तो स्केल की अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि 1 mm अपान 1 किलोमीटर 1 mm क्या है हमारी जो हमारा ग्राफ होगा उस पे और 1 किलोमीटर क्या है जो ग्राउंड पे इसकी डिस्टेंस होगी ओके okay? तो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होगी और वो वन किलोमीटर और जो हमारे ग्राफ में है वो वन एम एम है तो अगर इनको हम एक कांस्टेंट वैल्यूम लाना चाहें तो यूनिट को चेंज कर सकते हैं तो वन एम एम डिवाइड बाय वन किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो वन थाउजेंट हो गया और फिर मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे हंड्रेड हो गया फिर सेंटीमीटर को एम एम में बदलेंगे टेन से और मल्टीप्लाई करो तब हमारा ज़्यादा एम एम कट जाएगा तब हमारा क्या बचा ये फैक्टर वन अपान टेन की पावर एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है तो ये बहुत लार्ज स्केल हो गई इस तरीके से हमको जाना रहा है इस्मॉल स्केल हो गई बहुत ज़्यादा सर्वे कहाँ कर रहे हैं हम बहुत बड़ी एरिया का कर रहे हैं ओके okay? <coughs> तो ये चीज़ हमको इनडायरेक्ट मैथड्स में इस तरीके से समझनी है स्केल जाननी है आपको और अच्छे से स्केल समझनी है और फिर करनी है तो मैथड्स ऑफ जो कंटूरिंग में इनडायरेक्ट मैथड्स हैं देर आर थ्री डिफरेंट वे ऑफ इम्प्लॉइंग ऑफ इनडायरेक्ट मैथड्स ऑफ कंटूरिंग फर्स्ट वन इज ग्रिड मैथड्स सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल मैथड थर्ड वन इज़ द रेडियल लाइन मैथड्स और टेकोमेट्रिक मैथड्स इन तीन मैथड्स जो हैं इनडायरेक्ट मैथड्स के इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे समझेंगे इसके बारे में कि इनडायरेक्ट मैथड्स जो हम लोग यूज कर रहे थे उसमें किस तरीके से ग्रिड मैथड क्रॉस सेक्शनल मैथड और रेडियल लाइन मैथड्स या टेकोमेट्रिक मैथड्स हम यूज करते हैं ओके तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में यूज करते हैं तब के लिए थैंक यू